अगर आप इस लाइन ऑफ कोड जो प्रोग्राम के अंदर लिखे हैं उसको अगर हम देखते हैं, तो हमने क्या किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया है, एक फंक्शन क्रिएट किया है और फंक्शन का नाम है वेदर टुडे। और ये क्या रहेगा, एक हमसे इनपुट लेगा और एक सिंगल आर्गुमेंट लेगा इंटीजर टाइप। और उसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे इफ कंडीशन के साथ, चेक कर रहे हैं कि अगर इनपुट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 8 है तो ये हमें रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग हॉट टुडे। अदरवाइज अगर इनपुट वैल्यू जो है वो लेस देन 8 है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो एल्स के केस में ये हमें रिटर्न करेगा कोल्ड टुडे। और उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, और उसके बाद हमने प्रिंट के अंदर वेदर टुडे फंक्शन को कॉल किया है और उसको आर्गुमेंट पास किया हमने 5। और अगर हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये रिटर्न देता है कोल्ड टुडे। पर इस केस के साथ, इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ एक इशू है कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है इस वक्त पाइथन की आईडी के अंदर। और अगर हमने ये प्रोग्राम अगर हम किसी एंड यूज़र के लिए बना रहे हैं या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें हम उस यूज़र से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस प्रोग्राम को किसी आईडी के अंदर या पाइथन स्क्रिप्ट के साथ उसको ओपन करे और उसके अंदर उसको रन करे और यहाँ पे जाके उसकी इनपुट को क्या करे, मॉडिफाई करे। तो हम तो उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में कि कोई एक वो एंटर करे वैल्यू, और उस वैल्यू के बेसिस के ऊपर हमने उसको चेक करना है कि उसने जो वैल्यू एंटर की है उसके अकॉर्डिंगली वो हमें मैसेज डिस्प्ले करवाएगा कि आज का जो टेम्परेचर है वो हॉट है या फिर कोल्ड रहता है। तो हम ये वाला कंडीशन जो है वो एंड यूज़र को हम लोग नहीं दे सकते हैं, या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हम लोग इस तरह का प्रोग्राम हम उसको नहीं दे सकते। सो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम उससे कोई एक इनपुट मांगते हैं। तो इनपुट मांगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं। और इनपुट फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें उसके साथ हमें उसकी पैरेंथेसिस को कॉल करना, और यहाँ पे हम उसको मैसेज लिखना, जो भी उसको मैसेज लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, से एंटर टेम्परेचर। हम उसको मैसेज लिखना चाहते हैं एंटर टेम्परेचर, और आप इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे यूज़र के लिए जो भी मैसेज लिखना चाहते हो वो आप ऐसे करके लिख सकते हो। आप यहाँ पे कॉलन लगा सकते हो, या फिर आप इस तरीके से कोई और चीज़ को मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, और फिर से अगर हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो हमें कुछ भी, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें मैसेज आ गया एंटर टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो रुक जाएगा। ओके, और ये कब तक रुका रहेगा, जब तक कि यूज़र कोई इनपुट नहीं करता है, अपने कीबोर्ड से इनपुट डिवाइस से कोई इनपुट नहीं देता है, तो तब तक ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो यहीं पे रुका रहेगा, ये फ्रीज कर देगा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को। आप उसके बाद यूज़र मान लो कोई भी यहाँ पे वैल्यू एंटर करता, से उसने 5 एंटर कर दिया, तो उसके बाद जो है वो आगे एग्जीक्यूशन होगा। पर अब हमारे केस में क्या है कि यहाँ पे कोई भी इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है या कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एंटर टेम्परेचर किया हमने इनपुट, तो हमें इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको प्रिंट करवाते करवा के देखते हैं। से हम लोग करते हैं प्रिंट, और मैं इसको सिंपल ऐसे लिख लेता हूँ, से प्रिंट, और यहाँ पे जाके मैंने इसको ऐसे कर दिया। सेव करते हैं प्रोग्राम को, उसके बाद फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से, तो हमसे फिर से पूछता है वो एंटर टेम्परेचर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर कर दिया टेम्परेचर के लिए, से हमने एंटर 6 कर दिया, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे हमें 6 डिस्प्ले करवा दिया। ओके, सो प्रिंट जो हमने इसके साथ जो एंटर किया था वो 6 डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाई हेलो, तो वो मुझे हाई हेलो जो है वो डिस्प्ले करवा देता है यहाँ पे। सो ये अप्रोप्रिएट यूज़ नहीं है इस प्रोग्राम का। सो हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़र ने इनपुट डाला और उसके बाद उसने इनपुट को डिस्प्ले करवा दिया। बेसिकली हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे क्या है कि यूज़र कोई भी जो है इनपुट एंटर करता है तो वो हमने पैरामीटर पास करना है इस फंक्शन को। सो इस फंक्शन को पैरामीटर पास करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन ऑफ कोड को चेंज करते हैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, से यूज़र अंडरस्कोर
इनपुट यूज़र इसको अंडरस्कोर इनपुट और इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे हमने लिखा एंटर, ओके एंटर टेम्परेचर, और उसके बाद हमने लिख दिया प्रिंट यूज़र इनपुट। अब इसके बाद हमने कंट्रोल एस से इसको सेव किया और उसके बाद हमने इसको रन किया, तो हमने यहाँ पे इंटर कर दी वैल्यू 6। सो उसने हमें फिर से यहाँ पे क्या कर दिया, 6 डिस्प्ले करवा दिया। अब ये जो यूज़र इनपुट जो वैल्यू है, हमने इसको इस फंक्शन को क्या करना है, एज ए आर्गूमेंट पास करना है। सो इसको आर्गूमेंट पास करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं प्रिंट के अंदर। सो हमने यहाँ पे कॉल किया फंक्शन वेदर टुडे, और इसको हमने आर्गूमेंट पास कर दिया इनपुट, सॉरी यूज़र इनपुट, हमने इसको आर्गूमेंट पास कर दिया। सो सेव करेंगे इस प्रोग्राम को, और उसके बाद फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। तो हमने एग्जीक्यूट किया, एंटर किया वैल्यू 6। 6 वैल्यू एंटर करने के बाद जो है वो हमें इसने एरर दे दिया। अब इस एरर को हमने क्या करना है, बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। इसमें एक तो ये दे रहा है एरर प्रिंट वेदर लाइन नंबर 8 मॉड्यूल में, यहाँ पे एरर दे रहा है, और यूज़र इनपुट, और इसको केयरफुली हमने अंडरस्टैंड करना है। प्रिंट वेदर टूडे ये हो गया, फाइल इनपुट वेदर लाइन नंबर 2 में एरर दे रहा है, उसके बाद 6 में इसने एरर दिया हमें, और उसके बाद इसने एरर दिया है लाइन नंबर 2 में, और लाइन नंबर 2 में एरर क्या है, टाइप ऑफ एरर ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 8 जो है वो हमारा इंटीजर वैल्यू है, और जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं वैल्यू, अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हम लोग पहले हाई हेलो डाला, उसके बाद 6 डाला, ये सब चीज़ें जो वैल्यू डाल रही हैं, तो ये बाई डिफॉल्ट ये हम जो इनपुट फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग, वो किस फॉर्मेट में जा रही है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रही है। तो हमें इसे एक प्रॉपर, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी दूसरे स्ट्रिंग से, हमें इसको फ्लोट या इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक मेथड लिया से फ्लोट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन को कॉल किया, और ये उसकी पैरेंथेसिस लगाई, और यहाँ पे उसको पैरेंथेसिस को मैंने क्लोज कर दिया। तो अभी मैंने क्या कर दिया, इसकी इनपुट टाइप को जो है वो किस में कर दिया, फ्लोट फंक्शन जो है, जो हम इसके अंदर जो इनपुट जो भी हम लोग देंगे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट बन जाएगी। फ्लोट फंक्शन क्या करेगा, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा और उसको असाइन कर देगा वेरिएबल यूज़र अंडरस्कोर इनपुट में। अब इस कमांड को अगर मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो जैसे एंटर द टेम्परेचर, और मैंने टेम्परेचर यहाँ पर एंटर कर दिया से 6। सो उसने मुझे मैसेज डिस्प्ले करवा लिया कोल्ड टूडे। तो अगर मैं इस कंडीशन को और ज़्यादा एलेबोरेट करूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट एंट्री बना दिया यहाँ से इसको, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे टाइप फंक्शन को कॉल किया, और टाइप फंक्शन में मैंने कर दिया इनपुट, इनपुट फंक्शन को कॉल किया, और उसके साथ अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सेव किया प्रोग्राम को, और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मैं एंटर किया टेम्परेचर 6। सो यहाँ पे क्लास बिल्ट इन फंक्शन मेथड है, और यहाँ पे इनपुट क्या दे दिया उसने, इनपुट क्लास इन और बिल्ट इन फंक्शन है यहाँ पे हमारा। सो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे लिखता हूँ से यूज़र इनपुट, एग्जीक्यूट किया इस सेम लाइन को यहाँ पे कोड को, और यहाँ पे वैल्यू एंटर किया 7। सो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यूज़र इनपुट जो है वो क्या है हमारा, किस तरह का हो गया है, फ्लोट वेरिएबल है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो फ्लोट आ गया, और अगर मैं इसके साथ उसकी एक्चुअल वैल्यू को भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, सॉरी यूज़र इनपुट। सेव करेंगे हम इस प्रोग्राम को, फिर से यहाँ पे देखेंगे तो, और रन करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू एंटर किया 6, तो ये इसने क्लास दे दिया फ्लोट, और उसको वैल्यू दे दिया फ्लोट वैल्यू 6.0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंट कर दिया, सेव करेंगे इसको, और उसके बाद फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो एंटर, सो मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर किया 6,
सो क्लास इंटीजर, और उसके बाद हमें इसने आउटपुट दे दिया ये वाला। और अगर मैं इस कमेंट एंट्री को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, सेव किया प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे दोबारा फिर से, तो इसने हमें मैसेज दे दिया कोल्ड टूडे और क्लास इंटीजर और सेक्स। बट इन केस में यहाँ पे अगर वैल्यू डालता हूँ, से टेम्परेचर वैल्यू जो हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर इंटीजर हो, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। से मैं अभी वैल्यू डालता हूँ उसे 6.5, टेम्परेचर फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। सो उस केस में ये क्या कर देगा, मुझे एरर रिटर्न कर देगा। अब एरर क्यों रिटर्न करेगा, इसको अगर हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके यहाँ पे देखें। सो मैं यहाँ पे पाइथन शेल को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक इंटीजर फंक्शन को कॉल किया और उसको मैंने एक स्ट्रिंग पास किया और उसको वैल्यू पास कर दी से 6.5, तो इंटीजर फंक्शन जो है वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्फ्यूज़ हो जाएगा इसको फ्रैक्शनल वैल्यू को। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट और इसको स्ट्रिंग वैल्यू पास करूँ से 6, तो वो इजीली उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, बट फ्रैक्शन के केस में वो इसको इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट फंक्शन को कॉल करता हूँ, फ्लोट फंक्शन को कॉल किया और उसको मैंने वैल्यू पास कर दी से 6.5, तो उसने इजीली जो 6.5 जो स्ट्रिंग है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं फ्लोट में क्लास को कॉल करता हूँ और इसको आर्गुमेंट पास करता हूँ से इंटीजर वैल्यू 6, तो भी वो उसको क्या कर देगा, इंटीजर 6 को जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, 6.0 जो कि इक्विवेलेंट है 6 के ही। सो इंटीजर के साथ हमारे साथ कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि वो अगर कोई हम लोग फ्लोट स्ट्रिंग उसको पास करेंगे या डेसिमल में कोई वैल्यू उसको पास करेंगे तो उसको प्रॉपरली उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। सो इट्स बेटर प्रैक्टिस कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट। और हमने यहाँ पे सेव किया प्रोग्राम को और उसके बाद मैं इसको क्लियर किया शेल को और फिर से इसको एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पे, तो एंटर द टेम्परेचर। और यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर डायल कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ 9, तो इट्स मैसेज आ गया हो टुडे, और क्लास क्या होगी हमारी फ्लोट, और वैल्यू जो होगी वो एंटर वैल्यू होगी 9.0। सो इस तरीके से जो है वो हम लोग इनपुट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सो अगर मैं इस लाइन ऑफ कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मुझे इसका ज़रूरत नहीं है, सेव किया प्रोग्राम को, फिर से एग्जीक्यूट किया, एंटर द टेम्परेचर, और फिर से क्या हो गया, इस इनपुट फंक्शन के बाद क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्रीज हो गया यहाँ पे आके, और ये यहाँ पे रुका रहेगा जब तक कि यूज़र यहाँ से कोई भी इनपुट नहीं करेगा। अब उसने अगर इनपुट कर दिया से, उसने एंटर कर दिया वैल्यू 5, तो मैसेज डिस्प्ले करवा दिया उसने कोल्ड टुडे। सो दिस इज़ हाउ हमने इनपुट फंक्शन को, और यूज़र से अगर हमने कोई इनपुट लेनी है तो उसको कैसे करना है।